नमस्कार, मैं हूं अनुपम मनु। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ तिवारी राज के नेतृत्व में विभिन्न समस्याओं को लेकर के रीवा जिले के जावा में धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि बिजली कटौती, वैक्सीन की कमी, बढ़ रही महंगाई, किसानों की समस्याओं, कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सहित ऐरा पशु और सड़कों पर हो रही उनकी मौतों को लेकर के सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करने के बाद विभिन्न विभागों का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सिद्धार्थ तिवारी राज ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कई सारे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया। इस दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष गीता मांझी ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कहां गए वो लोग जो 2003 से पहले महंगाई महंगाई चिल्ला रहे थे। कांग्रेस नेता ने 12 सूत्री मांगों को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और विद्युत समस्याओं को लेकर किसानों के साथ सिद्धार्थ तिवारी ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर वहां ज्ञापन सौंपा। वहीं विद्युत समस्याओं को लेकर किसानों की समस्या को सुनाने के लिए वो विद्युत कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां ज्ञापन लेने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे किसानों के साथ धरना में बैठ गए और किसानों के साथ बिजली के बिल को आग में जलाकर तापा गया। और वहीं 2 घंटे से अधिक समय के बाद डी सुशील कुमार यादव को भी विद्युत समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया गया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर आशुतोष की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। धन है राम नरेश तिवारी, जो कम का उज्जवल किए हैं, उनका बधाई दे थे। क्या हो गया सबको? हाँ जी, बेवको समझ के रखा आप लोगों ने यहाँ पर जनता को। आप लोग की खैर नहीं है, चुगला जी अगर आया नहीं है 5 मिनट में आपका डी, तो आपको मालूम नहीं गुस्से का क्या अंजाम होगा। आप लोग चीफ मिनिस्टर के नौकर नहीं है, आप लोग सरकार, आप लोग सरकारी मुलाजिम है, मतलब जनता के नौकर है। इस बात को समझिए राज भैया, यही हो परेशान ना बोल रहा हूँ ये होता है कि नहीं होता है। आप इंसान पहले हैं, सरकारी मुलाजिम बाद में है। डी साहब, हम आपको ज्ञापन आज दे रहे हैं, 2 घंटे इंतजार किया है आपने, बहुत जनता के गुस्से का और उनके पेशेंस का परीक्षा आपने ले ली। 4 पॉइंट आपके हैं, ठीक है, इस पे हम अगर आपने 1 हफ्ते में जवाब नहीं कर लीजिए, अभी तो मैं यहाँ खड़ा हुआ तो यहाँ कोई उग्र नहीं हुआ, पुलिस व्यवस्था नहीं बिगड़ी, नहीं तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। अगर ये 4 पॉइंट है और हम और कोई अपने हक की चीज मांग रहे हैं, हम कोई अपने यहाँ पर, हम यहाँ पर अपने हक की चीज मांग रहे हैं, कोई आपसे खैरात नहीं मांग रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी को हम बिल देते हैं, उसका हम आपसे बिजली मांग रहे हैं। ना ही लाइट और ना ही मोटर। सैकड़ों लोग जो है उनका ज्ञापन लेने तक का समय नहीं है। तहसीलदार एसडीएम आ गए, लेकिन आप लोग शायद ज्यादा व्यस्त हैं, क्योंकि आपने बताया आपको कोई बड़ा अधिकारी आया है। तो क्या बड़ा अधिकारी आया है तो क्या ज्यादा बड़े पैसे मिलते हैं? किस लिए आया बड़ा अधिकारी, उसका काम क्या है? काम ये है, उसको आना चाहिए लेने, काम यही है ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और सुन लीजिए आप लोग, आप लोग अब वो पुरानी एमपी भी नहीं बचे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी मतलब ये जो जितने लोग खड़े हैं ये आप, वो चुप रहा क्या है? अरे एक मिनट यार, मीडिया वालों को जगह दीजिए। ये जो बिजली के बिल मेरे पास सैकड़ों पड़े हुए हैं, इनका मूल्य आपके और आपके ठेकेदारों के लिए तो है, लेकिन हम लोग जो है पैसा देने के बाद इसका मूल्य हमारे लिए कंडम हो जाता है, जीरो हो जाता है। बिजली कहीं आ नहीं रही, ज्ञापन दीजिए। हमने 11 मार्च को एक बड़ा आंदोलन रीवा जिले में किया था, उसमें 10 मांगे रखी थी, उन 10 मांगों में से एक भी मांग पूरी नहीं हुई, उसमें बिजली की मांग सर्वप्रथम थी।
बल्कि कोरोना और अभी के बिजली का जो संकट है ये इस सरकार ने उसमें और ऐड कर दिया, ये उसमें और ऐड कर दिया। अब हमने इनको आज 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया है, हमने एसडीएम को भी दिया है और यहां बिजली विभाग के जेई को भी दिया है। आपने देखा किस तरह की तानाशाही यहां मची हुई है। 2 घंटे धरना देने के बाद डी आए, हमने साफ सरकार को चेतावनी यहां दे दी है कि अगर हमारी जो ये 11 सूत्रीय मांगे हैं, जनता की जो प्रताड़ना हो रही है, अगर आम जन की ये मांगे नहीं पूरी की गई तो 17 सितंबर को संभागीय कार्यालय को एक उग्र भीड़ घेरेगी और जनता का गुस्सा उस समय प्रशासन के ऊपर टूटेगा टूटेगा टूटेगा। जैसे आप जब विद्युत कार्यालय में आए तो क्या पाए आप? कोई अधिकारी नहीं, जो यहाँ पे जेई और एई दोनों हैं वो वहाँ रसगुल्ला खाते हुए दिखे। जेई हमें डी के लिए दो घंटे हमें इंतजार करना पड़ा, तब डी साहब अपनी एसी गाड़ी से आए। मैं चेता देना चाहता हूँ यहाँ के विधायक सांसद और मुख्यमंत्री को कि जनता की गुस्से को समझ नहीं रहे। महंगाई चरम सीमा पर है, उसके ऊपर से वो बिजली का संकट और जनता के ऊपर डाल रहे हैं। मैं आरोप लगाता हूँ कि ये जो बिजली का संकट है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि 15 साल में शिवराज सिंह चौहान के जो लाडले ठेकेदार थे उनको खूब कमीशन दिया गया, खराब क्वालिटी का मटेरियल लगाया गया और उसका भरण जनता अब गर्मी में बिलबिला करके कर। कितने ब्लॉक में भी धरना प्रदर्शन आपका चल गया? ये हमारा पहला था, आज 22 तारीख को हमने जवाब ब्लॉक का किया, बाकी 8 बचे हुए प्रशासनिक ब्लॉकों का भी हम धरना करेंगे और अगर सरकार नहीं मानी तो 17 सितंबर को परम पूजनीय की जयंती पर एक उग्र जन आंदोलन की तैयारी सरकार कर ले। प्रमुख जो ज्ञापन है मांगे कौन कौन सी है? प्रमुख मांग हमारी बिजली का संकट है, अहरा पशु है, पेट्रोल और डीजल पे जो 10-12 रुपए एक्स्ट्रा कर सरकार लगाती है इसको शिवराज सिंह चौहान सरकार इसको वापस ले। ब्लॉक ऑफिसों में व्याप्त भ्रष्टाचार है, थानों में होने वाली तानाशाही है, इन सारे मुद्दों को लेकर के हमने ये घेराव और धरना किया था। कांग्रेस नेता कार्यालय में आए और उन्होंने कहा कि हमारे ज्ञापन लेने के लिए नहीं पहुंचे और बताया कि यार जो कर्मचारी यहाँ बैठे हुए थे वो दहेज पे मतलब नाश्ता पानी कर रहे थे और पहुंचे नहीं, इस वजह से हम लोग इसमें आप कर रहे थे। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी जो हैं अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करते हैं। वो जो हमारे कनिष्ठ अभियंता हैं अभी यही के भी प्रभार में है, वो जनपद कार्यालय में जहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा था वहाँ ज्ञापन लेने जा ही रहे थे, उस दौरान पब्लिक आ गई और उन्हें यहाँ पे आके ज्ञापन देने के लिए किया। उन्होंने बोला कि सर आप ही आई, क्योंकि मैं एक हमारे वरिष्ठ अधिकारी आ रहे थे तो मैं मीटिंग में जा रहा था, उस पर मैं जो लौट के आके मैं आप लोगों के बीच में आया, ज्ञापन लिया और प्रयास रहेगा जो लोग